इस वीडियो क्विज टेस्ट का मेन उद्देश्य है आपके पढ़े गए सवालों को पुनः रिवीजन करवाना। नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो क्विज टेस्ट में वन लाइनर 30 इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछे जाएंगे और जवाब भी बताए जाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आपके 30 में 30 सही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? आपको जवाब सोचने के लिए मात्र 3 सेकंड का समय मिलेगा। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर होगा काला। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा हेनरी बैकलर ने। क्वेश्चन नंबर 3, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? राइट आंसर होगा हृदय। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? आंसर होगा हीरा। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2020 का आयोजन कहां हो रहा है? राइट आंसर होगा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 7, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? राइट आंसर होगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 8, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राइट आंसर होगा राजघाट। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? राइट आंसर होगा बंबई, वर्तमान मुंबई से थाने तक। क्वेश्चन नंबर 11, और आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो लाइक भी कर दीजिए और यहाँ शेयर बटन पर क्लिक करके आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई? सही आंसर होगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राइट आंसर होगा राकेश शर्मा 1984 में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राइट आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? माफ करिएगा, राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं?
राइट आंसर होगा 15। क्वेश्चन नंबर 19। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? सही आंसर होगा 193। क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थाई सदस्य हैं? सवाल भी यही है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थाई सदस्य हैं? राइट आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा द हेग, होलैंड में। क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है, बना था? राइट आंसर होगा दक्षिण सूडान। क्वेश्चन नंबर 24। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? आंसर होगा 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? राइट आंसर होगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 26। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया है? नहीं, विश्व हिंदी दिवस हाल ही में मनाया गया है 10 दिसंबर को, और भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? राइट आंसर होगा 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 29। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस फेमस है? सही आंसर होगा मुराह। क्वेश्चन नंबर 30। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? राइट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है, दो सवाल है, जिनमें से कम आपको एक सवालों का जवाब देना अनिवार्य है। सवाल क्या है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा क्यू फॉर यू, और इसके राइट आंसर। या सेकेंड है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ये यदि आप दोनों में से किसी एक का भी राइट आंसर बताते हैं तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक का बताना है, दोनों का भी बता सकते हैं। और आपसे हमेशा की तरह इस बार फिर से रिक्वेस्ट वही कि आप हमारे वीडियो को रेगुलर जरूर देखिए। आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो करते हैं करिए, क्योंकि हमारे वीडियो भी आपके सिलेबस के होते हैं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपके इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख लीजिए, जिससे आपके नॉलेज बढ़ेंगे। रेगुलर रहिए हमारे साथ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।